मेरा नाम राहुल देव भगत है और मैं एक रेल कर्मी हूँ। ये जो छठ पूजा है ये बेसिकली सूर्य के उपासना का पर्व है और जैसा कि हम जानते हैं सूर्य के बिना ये सृष्टि संभव नहीं है। चार दिन अगर धूप नहीं आती है तो हम लोग चलने लगते हैं, तो ये सूर्य के उपासना का पर्व है। ये चार दिनों तक मनाया जाता है और इसका तीसरा दिन जो महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य को अर्घ हम लोग देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से सकुशल अभी तक हमारे ज़िंदगी को आपने बिताया है, हमारी रक्षा की है, आप जाएं, आप अस्थ हो रहे हैं और अगले दिन सही समय पर एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग और एक नई स्फूर्ति के साथ हमारे जीवन में आशीर्वाद देने के लिए आए। और इस तरह से ये लास्ट दिन चौथे दिन यानी कि कल सुबह अर्घ देने के साथ, उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ये पूजा की संपन्न हो जाता है और इसमें व्रती जो है 36 घंटे तक बिना अन्न और जल के उपवास रखते हैं। इसलिए कठिन व्रत है और ये बहुत खुशी की बात है कि जो पूर्वांचल के लोग यहाँ बसे हुए हैं और किसी कारण से वो नहीं जा पाते घर, उनके लिए व्यवस्था की गई है, तो ये बहुत ही अद्भुत है और आज का नज़ारा बहुत अद्भुत है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद का बात करता हूँ सभी श्रद्धा भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।